सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, 4 अप्रैल 2022 का सीएम राइज स्कूलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं। और भी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सीएम राइज स्कूलों में विज्ञान प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले से 6 मास्टर ट्रेनर का होगा चयन। डीपीआई ने शुरू की तैयारी। आप देख सकते हैं 4 अप्रैल 2022 का अपडेट है यह दिया है साथियों। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही सीएम राइज योजना के लिए प्रत्येक जिले से विज्ञान विषय में सुचारू संचालन एवं प्रायोगिक कार्य के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर से 6 मास्टर ट्रेनर का चयन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है एवं विज्ञान शिक्षकों की जानकारी चाही गई है जो कि विज्ञान विषय में निपुणता रखते हैं तथा व्यापक ज्ञान वह दृष्टिकोण शैक्षिक नवाचार एवं छात्र में वैज्ञानिक सोच जागृत करने हेतु तत्पर हों। आगे दिया है विज्ञान विषय जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के लिए अलग अलग लैब। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जा रही सीएम राइज योजना के तहत अब ऐसे स्कूल में विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सीएम राइज स्कूलों में प्रत्येक विषय का अलग प्रैक्टिकल लैब होगी तथा इसके लिए एक लैब असिस्टेंट की नियुक्ति भी की जाएगी। विज्ञान विषय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान विषय को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से इन स्कूलों में विज्ञान के 3 समूह जीव विज्ञान भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के लिए अलग अलग लैब की स्थापना के साथ ही इनके प्रैक्टिकल तथा रुचिकर बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य भी कराए जाएंगे। शीघ्र होगी लैब असिस्टेंट सहित सह अकादमिक पदों पर नियुक्ति। आपको बता दें कि लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। इसके लिए सह अकादमिक पदों से संबंधित चयन सूची जारी करते हुए इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही शिक्षकों की नियुक्ति अब उनकी चयनित शालाओं में की जाएगी। आगे कह रहा है साथियों, सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश प्रत्येक विषय के लिए 6 मास्टर ट्रेनर। सीएम राइज स्कूल में विज्ञान विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा लैब असिस्टेंट को प्रशिक्षित करने के ही साथ ही विज्ञान विषय के लिए अकादमिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले से 6-6 मास्टर ट्रेनर का चयन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक समूह जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के लिए 2-2 मास्टर ट्रेनर के नाम चाहे गए हैं। विज्ञान विषय के लिए मास्टर ट्रेनर बनने के इच्छुक अभ्यर्थी यदि वे योग्यता रखते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट सीएम राइज स्कूलों के संबंध में। आशा है नई जानकारी पाकर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।